हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल वायरल इंडियन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। यूं तो शोले फिल्म सभी ने देखी होगी। वैसे तो हम इस फिल्म के सभी एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानते हैं। उसमें नाम हो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या फिर हेमा मालिनी हो, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म में गब्बर सिंह का रोल करने वाले मशहूर एक्टर अमजद खान के बारे में? तो गाइस, आज हम इस वीडियो में उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानकारी लेने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक भी करना। अमजद खान एक बॉलीवुड अभिनेता होने के साथ साथ वो फिल्म निर्देशक भी थे, जो शोले 1975 में गब्बर सिंह के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय थे। वे बांद्रा के आरडी नेशनल कॉलेज और सेंट एजुकेशनल हाई स्कूल से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। वो खान एक्टर्स गिल्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और फिल्म उद्योग के मामलों में गहरी रुचि रखते थे। एक युवा के रूप में खान ने अपने पिता जयंत के साथ नाजनीन और जब दिल्ली दूर नहीं ऐसी फिल्मों में अभिनय किया। फिल्म हिंदुस्तान की कसम, जो 1973 में रिलीज हो गई, उसमें वह पहली बार एक पेशेवर सिल्वर स्क्रीन कलाकार के रूप में दिखाई दिए। जब उन्होंने शोले की तो उन्होंने बॉलीवुड के रूढ़िवादी बुरे आदमी को एक नई शैली की आइकन में बदल दिया। भूमिका की तैयारी के लिए गब्बर का रूप धारण कर लिया। यह उनकी अब तक की सबसे प्रसिद्ध भूमिका रही है। उन्होंने एक गैंगस्टर दिलावर की भूमिका निभाई। उन्हें कई अन्य फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें शतरंज के खिलाड़ी, हम किसी से कम नहीं, गंगा की सौगंध, देश परदेश, दादा, चंबल की कसम, शामिल, नसीब, सत्य पे सत्ता, नास्तिक, या राना, ऐसे कई सारी फिल्में है जिसमें उन्होंने काम किया है और आकर्षक नायकों की भूमिका भी निभाई है। अपनी नाटकीय भूमिकाओं के अलावा उन्होंने कुर्बानी, लव स्टोरी, चमेली की शादी ऐसी फिल्मों में हास्य भूमिकाएं भी निभाई है। अजीत देवानी द्वारा निर्देशित हिंदी पैरोडी फिल्म रामगढ़ के शोले उन्होंने एक बार फिर गब्बर सिंह की भूमिका निभाई और फिल्म अप्रत्याशित रूप से ब्लॉकबस्टर बन गई। उन्होंने चोर पोलिस से निर्देशक के रूप में भी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने परवीन बाबी, शत्रुघ्न सिन्हा, कादर खान और शक्ति कपूर इनके साथ सह अभिनय किया। उनकी फिल्म अमीर आदमी गरीब आदमी, जो 1985 में रिलीज हुई थी और ये एक बड़ी व्यावसायिक सफलता भी मानी जाती थी। वो 1973 में एक छोटी भूमिका में भी दिखाई दिए। उनको 1976 में शोले के लिए BFS पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार भी जीता था। इसके अलावा उन्होंने दादा और याराना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में भी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता। अहमद खान जी ने माँ कसम के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार भी जीता था। ऐसे कई सारे पुरस्कार उनके नाम है। तो गाइस, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अजमत खान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट में बताना, साथ ही अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वायरल इंडियन को विजिट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।